करते हैं। गत 19 वर्षों से उस मोक्ष स्थली पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, अवैध कब्जा कर लिया गया है, वहाँ जैनों के साथ आज मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। 17 फरवरी 2005 को गुजरात हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि वहाँ पर चाहे किसी का भी मानने वाला हो तो वहाँ पर आए, सुरक्षित दर्शन करे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अभी 7 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व सांसद महेश गिरी ने वहाँ बैठकर जैन और वैदिक धर्मों के लोगों को लड़ाने का प्रयास किया, हिंसा का डर दिखाकर जैनों को वहाँ पर जाने से रोकने का प्रयास किया, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। 3 नवंबर को हम लोगों ने नोटिस दिया था गुजरात सरकार को, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए मजबूर होकर हमें आज आंदोलन बंद करना पड़ रहा है। वो केवल दिल्ली नहीं, देश के अनेक शहरों में इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जब नेपाल, काठमांडू और कनाडा में भी हुआ था। अगर हमारी बात को नहीं माना गया, हमारे उस नीतराज को नहीं सुरक्षित दर्शन के लिए कहा गया था, ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आज ये हमारा सांकेतिक आंदोलन है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पूरे देश से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। सर, अगर सरकार से मुलाकात करेंगे, सरकार से मुलाकात की योजना है, और अगर नहीं माना, देखिए हमने 3 नवंबर को और इससे पहले भी काफी बार प्रयास किया, लेकिन गुजरात सरकार पता नहीं कौन सा क्या सोच कर हम जैनों को शामिल किया।